-1। तो देखिए 2 -1 आपको दे रखा है, कैसे करोगे? 20th क्वेश्चन, कई चीजों में ट्रिकी दे रखे हैं थोड़े से। एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर +3t -8, वाई इक्वल टू 2 स्क्वायर 2t -5। आपसे पूछा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, एफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2 -1, बताइए कैसे करोगे, कैसे करोगे? लेकिन ये वैल्यू एक्स वाई की दे रखी है। अरे ये वैल्यू एक्स वाई की दे रखी है पॉइंट, ये टी की नहीं दे रखी है। हाँ ठीक ठीक है। कौन बोला, किसकी आवाज आई भैया? अच्छा गविश का आवाज, गविश की, ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है कि एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू -1। एक्स इक्वल टू 2 रखो, 2 इक्वल टू टी स्क्वायर +3t -8, और ये 2 टी स्क्वायर -2t -5 इक्वल टू -1। यानी कि यहां से आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो टी की वैल्यू आएगी। करिए देखो क्या आएगा, ये आ गया टी स्क्वेयर +3t और -10 इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है शायद ये टी -5 और टी +2 इक्वल टू 0, मैंने फैक्टर डायरेक्ट बना दिए। तो टी इक्वल टू, एक मिनट सोचो सोचो सोचो, प्लस का 5 माइनस का 2, तो टी इक्वल टू 5 और टी इक्वल टू 2, वहां से भी फाइंड आउट करिए। ये आ गया 2t² -2t और -4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, t² -t -2 इक्वल टू 0। बेटा यहां से आ जाएगा t -2 और t +1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू -1। अब इनमें से कौन सा पॉइंट लेंगे भाई, कौन सा पॉइंट लेंगे? क्या बात बताइए, केवल 2 ही क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी को नहीं लेना आपने। तो टी इक्वल टू 2 के ऊपर अब तुमने डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहां से dx अपॉन dt निकाल लो। भाई मजा नहीं आ रहा, सच बता रहा हूं। बच्चे पूछे हैं फिर बतावे टीचर, सारे ऐसे बैठे हैं। एक आध चीज हो सकती है, अब तो टॉपिक तो नहीं चल रहा ना, प्रॉब्लम चल रही है। 40 -2, अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है आपका डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये आ जाएगा आपका डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी। तो डी वाई डी टी ये आपका है 40 -2 और अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी 2t +3। तो टी इक्वल टू 2 के ऊपर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, कितना आ जाएगा? चलो स्लोप इक्वल टू 6/5। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है बताइए, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं, आप लोग नहीं पूछते कोई भी, मजा नहीं आता भाई ऐसे समझ। अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर एक मिनट, 21वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये लाइन दे रखी है, ये इस कर्व के टेंजेंट है। तो कर्व से डी वाई डी एक्स की वैल्यू और टेंजेंट का स्लोप एन बराबर रख लेना, इक्वल रख लेना। टेंजेंट का स्लोप एन और कर्व से डी वाई डी एक्स की वैल्यू, दोनों को इक्वल रखते एक्स की वैल्यू आ जाएगी।
22 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, वो तो सिंपल ही क्वेश्चन है कि नॉर्मल एट पॉइंट, नॉर्मल का बता रखा है ना, पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो और उसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन बता रखी है। 23 अलग चीज है, द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग थ्रू 1, 2, हाँ 23 नंबर अलग क्वेश्चन है, अलग चीज है, नोट कर लीजिए। मंडे को केवल मैक्सिमा मिनिमा वाले टॉपिक का टेस्ट होगा, बिजनेस एक्सरसाइज से भी और इससे भी। पिछला टेस्ट मैं आज या कल मैं आपको चेक करके सेंड कर दूंगा। मंडे किसी का टेस्ट है तुम्हारा, और ट्यूजडे, ट्यूजडे ले लेंगे। हाँ भाई ट्यूजडे लेंगे, मंडे नहीं लेंगे, मंडे ट्यूजडे का भी वेडनेसडे ले लेते हैं, मंडे को नया टॉपिक शुरू करा देंगे। केवल एक एक टॉपिक एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, मैक्सिमा मिनिमा होगी पिक्चर्स की। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और नॉर्मल जो है ना दैट विल पास थ्रू, नॉर्मल पासिस थ्रू अरे सब प्राइवेट हैं, ठेके पे प्राइवेट है आप, ये खुद अपनी दिहाड़ी बना है। नॉर्मल पास थ्रू, नॉर्मल पास थ्रू करता है 1, 2 से, द नॉर्मल टू द कर्व पास थ्रू 1, 2, यानी कि नॉर्मल एट पॉइंट नहीं है इस बार, नॉर्मल आपका 1, 2 पर नहीं है। तो देखिए आपका पहली बात तो पैराबोला कौन से वाला है, ये पैराबोला है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, हाँ जी ये आप नॉर्मल एट, नॉर्मल जो है ना 1, 2 पॉइंट कहीं है, मान लेते हैं 1 पे 2 कहीं भी होगा, यहां पे ही है ठीक है, और नॉर्मल यहां से पास करता है, समझ में आ गया होगा सबको, नहीं आया तो देखिए मैं यहां पॉइंट एच के ले लेता हूं, यहां पे जहां पर नॉर्मल है, तो पहले तो यहां से डिफ्रेंसिएशन करो इसका, 2x और ये 4dy dx, तो dy dx आ जाएगा बेटा आपका 2x/4। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, x/2। अब लेट एच के इज ए पॉइंट, एच के वो पॉइंट है वेयर टेंजेंट द नॉर्मल पास थ्रू, जहां पर नॉर्मल पास थ्रू करता है 1, 2 से, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा एट एच की। स्लोप दो तरीके से निकलेगा इसका, एक तरीका क्या है इसका बेटा स्लोप का, एक तरीका तो इस लाइन का स्लोप, एक तरीके से तो इसका स्लोप लाइन का a-2y2-y1/x याद आ गया, और एक यहां से निकलेगा, ये टेंजेंट का स्लोप है 2/-2/ में
ठीक है ना। ये यहाँ से लोग वो टेंशन निकालो, थोड़ा जगह कम है यहाँ पे आपका, मुझे थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था एच के पे। समझ जाओ तो मैं लिख दूँ इसको, -2/x है। अरे -2/x और x की जगह एच, ये बात बताओ किसी को समझ आई कि नहीं आई। अरे एक तो यहां से निकलेगा टेंजेंट का स्लोप, यहां से टेंजेंट का स्लोप जो है वो आ जाएगा एट एच के पे, एट एच के ऊपर टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा h/2, और नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल -2/h, -1/m। तो ये काम किया है, आप कैलकुलेशन वर्क कीजिए, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, -2h +2 एच के -2h। -2h से -2h ये आ जाएगा एच के इज इक्वल टू 2। आया भी समझ नहीं आया, एच के इज इक्वल टू 2। और ये जो पॉइंट है लक्ष्य आ रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा। लक्ष्य लक्ष्य नहीं बोल रहा ना, तेरे को तो आ गया भाई लक्ष्य। समझ आ रहा है समझ नहीं आ रहा? क्या दिक्कत आ रही है? भाई वीडियो भी देख लिया कर, ये भी देख लिया, तेरे नेट वाली समस्या का इलाज तो मेरे पास नहीं है, मैं खुद परेशान हूं नेट से, मैं भी मोबाइल के नेट पे चला रहा हूँ, दोनों चला रखे, दोनों में मोबाइल पे चल रहा है अभी। आल्सो एच के लाइज ओन करो, एच के करो पे भी लाई करेगा भाई, एच के जो है करो पे भी लाई करेगा, तो जब करो पे लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 4k। एक न, आप जो है एक नंबर इक्वेशन ये है, दो ये है, और ये तीन, दो और तीन को सोल्व कर दो, दो और तीन को सोल्व कर, सॉल्विंग 2 एंड 3। अब ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है आपने, अरे किसका माइक बोल रहा है भाई, मैं इरेज कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा सोल्व करने के लिए, ठीक कर ले ली, ना जगह नहीं है इसको, ठीक कर ले इसकी जल्दी। हाँ भाई आप इसको सोल्व कर रहे हैं आपने अभी, एक इक्वेशन तो है एच के इज इक्वल टू 2, और दूसरी है एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू एच स्क्वेयर अपॉन 4 रख दो, ये आ जाएगा एच इंटू एच। अरे ये किसी की आवाज आ रही है माइक की भाई, क्या दिक्कत है? h³ इज इक्वल टू 8, h इज इक्वल टू 2। बेटा h इज इक्वल टू 2 आ गया, k इज इक्वल टू यहां से निकाल लेना, k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, अब एच के आ गया, ठीक है। अब आपके पास सब कुछ आ गया, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताना मुझे, स्लोप ऑफ नॉर्मल मुझे लग रहा है 2/x था या किसका ना, 2/s -2/h था, -2/h -1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब आपका क्या आएगा, y माइनस y1, y1 बोलिए आपका, ये पास पॉइंट था ना, 1 2 था, क्या था ना, 1 2 था ना पॉइंट, तो y का 2 स्लोप ये रहा x माइनस। मुझे लग रहा है आज का टाइम हो गया भाई, कल मैं प्रॉब्लम पूछूंगा पूरी एप्लीकेशन डेरिवेटिव से, आप कुछ भी समझ सकते हो। मंडे को ट्यूसडे को इंटीग्रेशन कराऊंगा, बुधवार को टेस्ट होगा एप्लीकेशन डेरिवेटिव में से, केवल मैक्सिमम मिनिमम का। ठीक है, तुम्हें टाइम दे दिया है ताकि जब तक जिनकी पूरी नहीं हो पूरी कर लो। मैं जानबूझकर स्लो चल रहा हूँ, इतना स्लो चल रहा हूँ। अब तुम ये देखो, 3 सवाल 2 सवाल रोज इतने हो रहे हैं भाई, इससे ज्यादा मेरे बस की नहीं है बेटा। मैंने तो पाया और फिर भी नहीं पढ़ रहा ना भाई, प्रवेश समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तू बता दे ऑनलाइन में। एक या दो दिन नेटवर्क की समस्या मेरी आपकी हो सकती है, ये रोज रोज नहीं होती।